हेलो पेंटरलोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे कैलकुलेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका डेमो देखेंगे बोले तो, और कैलकुलेट के साथ कैलकुलेट टेबल फंक्शन भी आता है साथ में, उसको भी निपटा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, ये अपना चैनल है, आई मीन चैनल नहीं है, ये तो अपना वेबसाइट है data2infolabs.com, यहाँ जाके विजिट करने का या अपना आर्टिकल लिखते हैं। आज आते हैं अपने पावर बीआई में, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये कैलकुलेट क्या होता है? कैलकुलेट एक फंक्शन है, डैक्स फंक्शन है, ठीक है। ये फिल्टर फंक्शंस के कैटेगरी में आता है। कौन से कैटेगरी में? फिल्टर फंक्शंस के कैटेगरी में। अब बहुत सारे फंक्शंस आते हैं भाई फिल्टर फंक्शन कैटेगरी में, डैक, ये कैलकुलेट आएगा, कैलकुलेट टेबल आएगा, ऑल आएगा, ऑल एक्सेप्ट आएगा, ठीक है, कि फिल्टर्स आएगा, फिल्टर आएगा, तो इस तरह के बहुत सारे है, ऑर्डर बाय आएगा। तो अपन एक एक करके साथ सब देखेंगे, मतलब इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में अपन सिर्फ कैलकुलेट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसका थोड़ा डेफिनेशन बोले तो एक बार नजर डाल लेते हैं। क्या होता है फिल्टर फंक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, पहले वो जान लो। फिल्टर फंक्शंस मैनिपुलेट टेबल एंड फिल्टर कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये टेबल और फिल्टर कंटेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए फंक्शंस बनाए जाते हैं, जैसे कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट टेबल हो गया, ऑल हो गया, फिल्टर हो गया, है ना, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मैंने तीन चार यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, ठीक है। उसमें से अब कैलकुलेट देखेंगे अपन आज। कैलकुलेट का डेफिनेशन क्या है बोले तो, डेफिनेशन ये है, ये देखो, इट इवेलुएट्स एन एक्सप्रेशन इन अ कंटेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन इवेलुएट करता है, ठीक है, इन अ कंटेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स। फिल्टर से मॉडिफाइड हो सके उस कंटेक्स्ट में जो एक्सप्रेशन आते हैं उसको इवेल्युएट करता है। अब इसको अपन डायरेक्टली काम करेंगे, डेमो से समझते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज करके सम ऑफ सेल्स निकालू। मेरे पास सैंपल सुपर स्टोर का वही पुराना डेटा सेट है, ठीक है। मैं सम ऑफ सेल्स निकालता हूं कैलकुलेट फंक्शन यूज करके, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं क्या करूं, हाँ, एक कार्ड ले लेता हूं, ठीक है, एक कार्ड ले लेता हूं और उसमें सेल्स का कॉलम ड्रैग करता हूं। देखो, ये मुझे सम ऑफ सेल्स बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर लेता हूं, आई मीन मॉडिफाइड बोले तो बॉर्डर वॉर्डर दे देते, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कलर में थोड़ा चेंज कर देते बोले तो, है ना, मस्त दिखना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद क्या करते हैं, एक नया मेजर बनाते हैं और उस मेजर में कैलकुलेट फंक्शन यूज करके सम ऑफ सेल्स निकालते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं कि वो जो सम ऑफ सेल्स है वो कितना डिफरेंट है ये वाले सम ऑफ सेल्स से, जो ओरिजिनल सम ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो ये जो बनाया है अपने नीले बॉक्स में, ये है ओरिजिनल सम ऑफ सेल्स। तो चलो एक मेजर बनाते फटाक से। ये मेजर पे गए अपन, यहाँ पे इसको आने में देर लग रही है, आ गया। तो थोड़ा बड़ा करते हैं, मेजर का नाम दे देते बोले तो, क्या करते, कैलकुलेट सेल्स। सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, कैलकुलेट फंक्शन यूज करते, कैलकुलेट है, कैलकुलेट टेबल है, दोनों का सिंटेक्स एक ही है बोले तो। कैलकुलेट को पहले यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एकदम मस्त तरीके से लिखता हूँ ऐसे करके, ठीक है, शिफ्ट एंटर दबाने का नीचे आ जाता है। उसके बाद कैलकुलेट फंक्शन में दो पैरामीटर्स यूज होते हैं, या दो आर्गुमेंट्स बोल लो। दो आर्गुमेंट्स मतलब कौन से, पहला होता है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है कंडीशन, और जो कंडीशन होती है दूसरा आर्गुमेंट वो फिल्टर कंडीशन होती है, और उसको ही वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिल्टर मॉडिफायर्स। मैं बताता हूं वो क्या है, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन, मैं एक काम करता हूं, मैं पहले आपको सिंटैक्स दिखा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो बोले तो। आजा भाई, हाँ, तो ये देखो, इट इवेल्युएट्स एक्सप्रेशन इन अ कंटेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स। तो देखो, फर्स्ट होता है एक्सप्रेशन, सेकंड होता है कंडीशन, कॉमा लगा के सेकंड कंडीशन। तो ये दोनों ही आर्गुमेंट चाहिए अपन को कैलकुलेट के लिए, ठीक है। तो ये अपन ऐसे ही लिखेंगे, वापस आएंगे अपने इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखने वाले थे कैलकुलेट, फर्स्ट क्या करेंगे अपन लिखते हैं एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन माने क्या, मुझे सम ऑफ सेल्स निकालना है, तो मैं सेल्स का कॉलम डालने की कोशिश करता हूँ। देखो, मेरे को सेल्स का कॉलम मिल ही नहीं रहा, मैं टेबल का नाम ही नहीं डाल पा रहा, ठीक है।
यूपी कैलकुलेट फंक्शन ना एक स्केलर क्वांटिटी रिटर्न करता है, बोले तो क्या करेगा, स्केलर क्वांटिटी रिटर्न करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एग्रीगेशन फंक्शन यूज करना पड़ेगा उसकी मदद से, क्योंकि एग्रीगेशन फंक्शन में क्या है, स्केलर क्वांटिटी रिटर्न करता है बराबर। तो मैं सम करूंगा, सम फंक्शन है अपन के पास, ठीक है। सम के अंदर मैं टेबल का नाम देने की कोशिश करता हूँ, हाँ अभी आ रहा है, देखो अभी सजेशन आ रहे हैं। तो मुझे सेल्स का सम निकालना है, तो सेल्स ले लूंगा, उसके बाद कॉमा लूंगा और शिफ्ट एंटर दबा के नीचे आ जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा पहला एक्सप्रेशन, पहला आर्गुमेंट, ठीक है। अब दूसरा आर्गुमेंट लिखना है मेरे को, दूसरा आर्गुमेंट क्या है, दूसरा आर्गुमेंट होता है फिल्टर कंडीशन। तो कंडीशन लिखनी है भाई, मैं कंडीशन क्या देता हूँ, मैं रीजन के हिसाब से कंडीशन देता हूँ, ठीक है। रीजन इज इक्वल टू, अगर रीजन मेरा साउथ है, अगर रीजन मेरा साउथ है तो ही मुझे सम ऑफ सेल्स दिखाओ, तो ही नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। देखो मुझे क्या चाहिए कि ये इवेल्युएट कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं ये बताता हूँ। पहले ना ये रीजन इज इक्वल टू साउथ के हिसाब से वो फिल्टर होएगा, और वो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे। तो ये चीज होती है, ये एक सिंगल स्केलर कॉल, आई मीन स्केलर क्वांटिटी रिटर्न करता है कैलकुलेट, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले कमिट मार देता हूँ और इसका रिजल्ट शो करता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होता रहेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक कार्ड ले लेते हैं, उस कार्ड को बाजू में दरीज रखते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये देखो। इसको भी दे देते हैं थोड़ा सा बॉर्डर वॉर्डर दे देते हैं बोले तो, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, जो लेफ्ट साइड में है नीले बॉक्स में, ये अपना सम ऑफ सेल्स है 2.30 मिलियन, ठीक है। तो ये पूरा पूरे टेबल का जो सम ऑफ सेल्स निकलता है वो है। राइट साइड में मैंने कंडीशन डाली है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे रीजन का सम ऑफ सेल्स चाहिए जहां पे साउथ लिखा हो, ऐसे रीजन का सम ऑफ सेल्स चाहिए जहां पे साउथ लिखा हो। तो ये रहा वो राइट साइड में 389.42 के, ठीक है। तो ये जो फिल्टर अप्लाई हुआ है टेबल पे, ठीक है, ये टेबल के इस कॉलम पे जो फिल्टर अप्लाई हुआ है, तो वो फिल्टर यहां पे एक्सप्रेशन पे लागू हुआ, ठीक है, समझे। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसका एक काउंटर पार्ट बताता हूं। काउंटर पार्ट यानी कि इस कैलकुलेट फंक्शन को तुम और किस तरह से लिख सकते हो, मैं वो बताना चाहता हूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूं। देखो इस कैलकुलेट फंक्शन को, इसका मतलब इंटरनल वर्किंग क्या है, मैं वो बताना चाहता हूं। कि ये जो लाइन नंबर 4 दिखाई दे रही है, रीजन इज इक्वल टू साउथ, इसका इंटरनल वर्किंग क्या है, मैं वो बताना चाहता हूं। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट में वही चोएगा, सम होएगा, ठीक है, ऑर्डर सेल्स होएगा, कॉमा करके एक नया पड़ेगा फिल्टर कंडीशन। अब यहां पे मुझे एक्चुअल फिल्टर कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑल, तो बताता हूं ये क्या है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ऑल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ऑफ क्या होगा मेरे ख्याल से रीजन, कॉमा ऑर्डर्स ऑफ रीजन इज इक्वल टू साउथ। अब देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे जो नीचे चीज लिखी है मैंने और जो ऊपर चीज लिखी थी वो सेम टू सेम है, एक्सेप्ट लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 को हम लाइन नंबर 8 की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी इंटरनल वर्किंग है, ठीक है। तो इंटरनली ऐसा ही वर्क करता है, यहां पे ऑल और फिल्टर फंक्शन यूज होगा बाय डिफॉल्ट। तो ये कैसा होता है, मतलब ऑल फंक्शन क्या करता है और फिल्टर फंक्शन क्या करता है, ये मैं बताना चाहता हूं। ऑल फंक्शन, अगर तुम्हारे पास ओरिजिनली उस कॉलम पे या उस टेबल पे, उस कॉलम पे, ये जो कॉलम लिया है ऑल के अंदर रीजन कॉलम, अगर उस पे ओरिजिनली कोई फिल्टर लगा हुआ होगा, जो पुराना फिल्टर होगा, तो वो रिमूव कर देगा। ऑल का काम यही होता है, इतना समझो कि ऑल जो भी पहले फिल्टर लगा होगा वो रिमूव कर देगा, वो निकाल देगा, वो इसको इग्नोर मार देगा, और जो नया फिल्टर कॉमा के बाद अपन ने लगाया है उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। तो एक नया फिल्टर कंटेक्स्ट तैयार करता है ये, जो पूरा पुराना फिल्टर कंटेक्स्ट या पुराना जो रो कंटेक्स्ट अगर होगा
चेक करता है पहले कि पुराना जो ओरिजिनल फिल्टर कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट होगा, तो उसको वो रिमूव कर देगा या फिर उसको ओवरराइट कर देगा नए वाले फिल्टर कंटेक्स्ट से। ठीक है, नए वाले फिल्टर कंटेक्स्ट से उसको ओवरराइट कर देगा। तो यही काम है ऑल का। ठीक है, ऑल क्या करता है, पुराना वाला फिल्टर लगाया है अपन ने, अगर होगा यहाँ पे कोई फिल्टर, चेक करेगा पहले तो वो निकाल देगा। ठीक है, इसका काम हो गया। उसके बाद ये फिल्टर फंक्शन जो है ये क्या करेगा, ये जो नया वाला फिल्टर बनाया ना यहाँ पे, ये लगा देगा यहाँ पे। ठीक है, समझे, पैकेट कंप्लीट कर देते हैं और इसको करते हैं रन। इसको जब हम करेंगे रन तो आप देखिएगा आंसर सेम आता है, 389.42 के आंसर सेम आता है। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत ये नहीं है, बदलाव नहीं है। मैं फिर भी एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ के बताना चाहता हूं कि ऑल ओवर फिल्टर का डेफिनेशन क्या है। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एक टेबल रिटर्न करता है, अ टेबल कंटेनिंग ओनली फिल्टर रोज। ठीक है, जो रोज टेबल के फिल्टर हो चुके हैं वही फिल्टर रोज हमें रिटर्न करेगा। ठीक, ऑल फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल और ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स दैट माइट हैव बीन अप्लाइड। है ना, कोई फिल्टर होगा अप्लाइड तो उसको वो इग्नोर मारता है ऑल फंक्शन। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखो यहाँ पे, तो ये बात है। ठीक है, तो ये है उसका मैं इंटरनल वर्किंग दिखाना चाहता था कैलकुलेट के अंदर का। ठीक है, मैं कैलकुलेट के बारे में और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अब देखो तुम बोलो कि यार कि यहाँ पे तुम दो आर्गुमेंट दे रहे हो, पहला तो एक्सप्रेशन है, दूसरा कंडीशन है ना, फिल्टर कंडीशन। तो क्या हम एक ही फिल्टर कंडीशन दे सकते हैं या फिर मल्टीपल भी दे सकते हैं? हम मल्टीपल भी दे सकते हैं। कैसे बताता हूँ, कॉमा देके, सिंपल है, यहाँ पे कॉमा देने का। और उसके बाद देखो ऑर्डर्स ऑफ कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं देता हूँ, मैं रीजन का ही दे देता हूँ, रीजन इज इक्वल टू सेंट्रल। रीजन इज इक्वल टू साउथ एंड रीजन इज इक्वल टू सेंट्रल। तो जो कामा है ना कामा, तो ये एंड ऑपरेटर की तरह काम करेगा यहाँ पे, एंड ऑपरेटर, ए एन डी एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो रीजन इज इक्वल टू साउथ और रीजन इज इक्वल टू सेंट्रल, तो जिस भी रोज पे ये दोनों होगा, ये मैच करके ये दोनों होगा तभी मुझे उसका सम ऑफ सेल्स दिखाई देगा। देखते हैं, देखो ये ब्लैंक दिखा रहा है, ब्लैंक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो है नहीं वहां पे। तो दूसरा चेंज करते हैं, वेस्ट देखते हैं। कुछ फर्क दिखाई दे रहा नहीं, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक ही कॉलम है। अब एक ही कॉलम पे तुम कैसे बताओगे, है ना, तुम्हें कुछ अलग कॉलम यूज करना पड़ेगा, जैसे ऑर्डर्स ऑफ, जैसे मैं सब कैटेगरी यूज करता हूं, सब कैटेगरी इज इक्वल टू आर्ट। मुझे पता है इसमें आर्ट नाम का एक सब कैटेगरी भी है, मैं ये यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सब कैटेगरी में से आर्ट ढूंढेगा, रीजन में से साउथ ढूंढेगा और उसका सम ऑफ सेल्स बता देगा। ठीक है, तो ये ऐसे मैचिंग कॉलम्स के उसको पहले क्या करेगा, टेबल को फिल्टर मार लेगा। इस फिल्टर कंडीशन के हिसाब से वो पूरे टेबल को पहले फिल्टर मारेगा और उसके बाद वो फिल्टर ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे अप्लाई करेगा और उसके बाद एक स्केलर क्वांटिटी रिटर्न मारेगा। तो यही है काम कैलकुलेट का। ठीक है, यही है काम कैलकुलेट का। देखो मल्टीपल फिल्टर कंडीशन लगाया अपन ने, क्या होगा अगर एंड की जगह अपन को और लगाना हो, तो ये जो कॉमा है ना, कॉमा निकाल के पाइप सिंबल यूज करो, ये वाला पाइप सिंबल दो, तो लंबी लंबी डांडिया। तो क्या होगा कि देखो मैं यही एक ही कॉलम पे लगाना चाहता हूं वो। ठीक है, रीजन साउथ या रीजन सेंट्रल, रीजन साउथ और रीजन सेंट्रल, इनमें से कोई भी एक रीजन मिला उसको तो उसका वो क्या करेगा, सम ऑफ सेल्स बता देगा। तो ये इतना आसान है, इसको कमिट मारते हैं, ये देखो। ठीक है, समझे, तो ये होता है कैलकुलेट। तो कैलकुलेट टेबल क्या होता है भाई, फिर उसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डेफिनेशन इसका इधर ही छोड़ना चाहिए, देखो ये तो कैलकुलेट का हो गया था, कैलकुलेट टेबल का देख लेते हैं। कैलकुलेट टेबल क्या कहता है, ये कहता है इवेल्युएट्स अ टेबल एक्सप्रेशन इन अ कंटेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स। मतलब ये टेबल एक्सप्रेशन इवेल्युएट करता है, कैलकुलेट क्या करता था, इट इवेल्युएट्स एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करता था खाली, बट कैलकुलेट टेबल एक टेबल एक्सप्रेशन इवेल्युएट करता है। ठीक है,
इसके बारे में बताता हूं मैं, यही डिफरेंस है कैलकुलेटर और कैलकुलेट टेबल में, कुछ ज्यादा ये नहीं है। तो मैं उसका क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, एक मिनट, मैं एक टेबल ले लेता हूँ पहले, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बाजू में टेबल रखेला अपन, इसमें ये डाल देते हैं एसएच, ठीक है, और उसको ये करके, ठीक है, ओके, इसको मैं पहले से बनाता हूँ। कैलकुलेट टेबल, कैलकुलेट टेबल सिलेक्ट करते हैं, उसमें वही सिंटेक्स वही है, कैलकुलेटर कैलकुलेट टेबल का सिंटेक्स वही है, पहले एक्सप्रेशन लगेगा कॉमा करके, बाद में फिल्टर कंडीशन लगेगा, ठीक है। ये रहा कैलकुलेट टेबल, बट कैलकुलेट टेबल क्या करता है ना, ठीक है, पहले कैलकुलेट टेबल का लिख लेते हैं। जैसे मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए, तो मैं सेल्स दूंगा, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स टेबल में मेरे को चाहिए रीजन इज इक्वल टू साउथ, ठीक है, और ये पूरी चीज क्या रिटर्न करेगा, एक टेबल रिटर्न करेगा, बट जैसे मैं इसको रन करता हूं ये मुझे एरर देगा, ठीक है, देखो ये एरर दे रहा है, ये क्या कह रहा है, मल्टीपल कॉलम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ स्केलर वैल्यू। तो ये जो है ना, ये मल्टीपल कॉलर्स, मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न कर रहा है ना, बट ये स्केलर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ये मल्टीपल कॉलम्स शो कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करके मैं स्केलर क्वांटिटी पे उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा, जब भी हम सम करते हैं किसी एक्सप्रेशन का, किसी मल्टीपल कॉलम्स के लिए जब यूज करते हैं, तो सम फंक्शन यूज करेंगे, सम एक्स यूज करेंगे, हम सम एक्स यूज करेंगे, पिछली बार भी अपन ने बताया था सम एक्स यूज करेंगे। सम एक्स में पहला होता है टेबल, है ना, तो टेबल अपन ने पहले बनाया था उसी को मैं नीचे ऐसे पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद कॉमा दे के नीचे आ जाऊंगा, और उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन लिखूंगा। बोले तो एक्सप्रेशन मुझे सेल्स का सम चाहिए ना, ऑर्डर सेल्स, ये रहा, ठीक है। अब इसको कमिट करके देखते हैं कि ये हमें वैल्यू दिखा पा रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिखा पा रहा है, ये देखो, ये रीजन साउथ के लिए मुझे सम ऑफ सेल्स बता रहा है, बट इन अ टेबल फॉर्मेट, तो ये टेबल इवैल्यूएट कर रहा है, ये जो है ना कैलकुलेट टेबल, ये इवैल्यूएट कर रहा है। तो यही डिफरेंस है कैलकुलेट और कैलकुलेट टेबल में, ठीक है। उसके अंदर तुम देखो फिल्टर फंक्शन यूज होता है, जैसे फिल्टर देखा अपन ने, है ना, ऑल फंक्शन यूज होता है, ऑल एक्सेप्ट यूज होता है, कीप फिल्टर्स यूज होता है, फिल्टर की जगह कीप फिल्टर भी तुम यूज कर सकते हो। उसका डिफरेंस क्या होगा कि कीप फिल्टर फिल्टर रिमूव नहीं करेगा, उसको इग्नोर नहीं मारेगा उस कॉलम के लिए, तो ये चीज है। तो इस तरह के और फंक्शंस अपन देखेंगे आगे भी, ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह